अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे सोहनी धरती प्रोग्राम। तो फाइनली प्रोग्राम जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर हैं और मुल्क में पैसे भेजते हैं, उनको जितनी भी वो अमाउंट भेजते हैं वो भी डिटेल बताते हैं कि कितनी अमाउंट पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे। तो उनको पॉइंट्स मिलेंगे और वो पॉइंट जो है हम मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, रिडीम करवा सकते हैं। जिस तरह ओमान में अगर लोग हैं या दीगर मुल्कों में हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे शॉपिंग मॉल जो हैं उनकी एप्लीकेशन होती हैं। अगर आप वहाँ पे शॉपिंग करते हैं तो वो बारकोड स्कैन करते हैं और आपके वॉलेट में जो है वो पॉइंट्स आ जाते हैं, जो कि आप फ्यूचर में रिडीम करवा सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप पाकिस्तान पैसे भेजेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। और वो पॉइंट कहाँ कहाँ पे यूज़ होंगे? PIA पे होंगे, PIA की टिकट लेनी है, FPR में, नादरा में, पासपोर्ट ऑफिस में अगर आपने पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, बनाना है, तो भी आप वो पॉइंट जो है रिडीम करवा सकते हैं, बजाय इसके कि आप एडिशनली पे करें। उसके बाद स्टेट लाइफ है, ओवरसीज़ है, यूटिलिटी बिल वगैरह जो है वो पे कर सकते हैं। कुछ और सर्विस भी इसमें शामिल हैं। तो जो काउंटिंग है कि कितने पैसे भेजेंगे तो कितने पॉइंट मिलेंगे, वो कुछ इस तरह से है। अगर आप सालाना $1 से लेकर $10,000 तक भेजते हैं तो उसका 1%, यानी जितने भी आपने अमाउंट भेजी होगी उसका 1% आपको मिलेगा 10,000 तक। अगर भेजते हैं 10,000 से लेकर $30,000 तक, उसका जो है 1.25, यानी 25% मिलेगा। और $30,000 से ऊपर जितनी भी रकम भेजेंगे उसका आपको 1.5% मिलेगा, यानी 100 के ऊपर 1.5% जो है, और 1.5 रुपया जो है आपको उसका वो पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि इक्वली होंगे 1.5 रुपये के, यानी 1 पॉइंट 1 रुपये के इक्वल है। तो हर बंदा जो है वो एलिजिबल होगा। और करने का तरीका क्या है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन करें, और जितनी भी आपने अमाउंट भेजी है पाकिस्तान, 1 अक्टूबर 2021 के बाद जो है ये स्कीम वैलिड है। अगर आपने अक्टूबर में पेमेंट भेजी है, 1 अक्टूबर से लेके अब तक, या फ्यूचर में जो भेजेंगे, तो वो आपने TT नंबर डालना है और जो अमाउंट भेजी है पाकिस्तानी रुपयों में वो मेंशन करनी है। आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपकी रिसिप्ट जो है वो रिसीव हो जाएगी, और उसके एक दिन के बाद या विद इन फ्यू डेज आपको पॉइंट जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो ये सिलसिला है। और ये पॉइंट जो है वो सिर्फ इस्तेमाल कर सकेंगे आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर यूज़ नहीं कर सकते। जो सर्विस बताई हैं सर, उन्हीं सर्विस को हासिल करने के लिए हम ये पॉइंट रिडीम कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला ख्याल रखे। जैसे कोई मज़ीद तफसीलात आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और एप्लीकेशन जो है वो iTunes पर भी मौजूद है और शेख गूगल पर भी मौजूद है, यानी प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और एप्पल के यूज़र iTunes से भी डाउनलोड करके अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने 1 अक्टूबर 2021 के बाद पाकिस्तान पैसे भेजे हैं और उनके पास रसीद है जिसके ऊपर TT नंबर और अमाउंट, डेफिनेटली अमाउंट का तो पता ही है, TT नंबर आपने लाजमी मेंशन करना है, क्योंकि वो वेरीफाई होगी आपकी अमाउंट कि इस TT नंबर के अगेंस्ट पाकिस्तान में इतनी रकम आई है। और फिर भी अगर किसी दोस्त को समझ नहीं आए, कोई मुश्किल हो, तो ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह उनकी हेल्प करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।